सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए स्वास्थ्य विभाग की एक और नई और बम्पर भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक बार फिर से नई भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर 3 लाख खाली पद हैं जिनको भरने के लिए यहाँ पर भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें से 65,000 खाली पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की जाएगी। स्टाफ नर्स, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर और भी अन्य पद हैं जिनको भरने के लिए यहाँ पर आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 65,000 खाली पदों पर बम्पर भर्ती यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में होने जा रही है। 8वीं, 10वीं, 12वीं पास, डिग्री धारक या फिर डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज हैं, सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स भारत के किसी भी राज्य से इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस भर्ती की पूरी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती होने जा रही है, जहां पर समूह क के अंतर्गत ANM, JNM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसिस्ट, मेडिकल ऑफिसर और भी अन्य पद हैं जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। वैकेंसीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 3 लाख वैकेंसीज निकली है। इनमें से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 65,000 खाली पदों पर बम्पर भर्ती होने जा रही है। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए सुनहरा अवसर है जो लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्तियों का अपडेट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 65,000 खाली पद है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिनको भरने के लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट का कम से कम 8वीं, 10वीं, 12वीं पास होना जरूरी है, प्लस उनके पास ANM का या फिर JNM का डिप्लोमा या फिर BSc की डिग्री नर्सिंग के अंदर होनी जरूरी है स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, या फिर आपके पास कोई अन्य मेडिकल डिग्री या फिर डिप्लोमा होना आवश्यक है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। आयु सीमा यहाँ पर आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। सैलरी आपको 5,200 से 20,200 और 9,300 से 34,800 के बीच में पोस्ट वाइज प्रोवाइड करा दी जाएगी। फीस आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए केवल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, यहाँ पर आपकी सीधी भर्ती भी कुछ पदों के लिए की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर आपके सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा। ऑनलाइन आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट है up-health.in। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश है। ऑल इंडिया में आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हो। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट की अगर बात करें तो जल्दी लास्ट डेट भी घोषित कर दी जाएंगी। इसके बाद आप इस भर्ती की ऑफिशियल न्यूज भी यहीं से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख रिक्त पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। विभिन्न विभागों ने 1.5 लाख रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेजा है। शेष रिक्तियों की सूचना यानी कि 1.5 लाख बचे हुए पदों पर जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीधी भर्ती के तहत यहाँ पर 1,20,000 पद भरे जाएंगे और पदोन्नति के तहत 31,000 पदों का ब्यौरा भी भेजा गया है। समूह क के अंतर्गत सीधी भर्ती 808 पदों पर की जाएगी और पदोन्नति 1,738 पदों पर की जाएगी। समूह ख के अंदर 5,187 पदों पर सीधी भर्ती होगी और 3,932 पदों पर पदोन्नति की जाएगी। समूह ग के अंतर्गत 75,725 पदों पर सीधी भर्ती होगी और 23,659 पदों पर पदोन्नति की जाएगी। वहीं पर समूह घ के अंतर्गत 37,888 पदों पर सीधी भर्ती होगी और 2,148 पदों पर केवल पदोन्नति की जाएगी। 6 माह में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करा दिया जाएगा। 22,840 पदों के प्रस्ताव पहले लंबित थे, अब 3,311 नए प्रस्ताव भेजे गए हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वास्थ्य विभाग की इस भर्ती की पूरी जानकारी। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इस भर्ती के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीड कर सकते हो। प्लस यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है, जिसके माध्यम से आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।
और अंत में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपके लिए ऐसी ही बिग गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं।